नेक्स्ट कंटेस्ट। मेरा नाम है बिनीश शर्मा और मैं हूँ अहमदाबाद से। पिछले साल डांस इंडिया डांस में रिजेक्ट होने के बाद आपकी तकदीर की टोपी पे पंख नहीं लगेंगे। मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं शायद डांसिंग स्किल्स में कहीं मैं कम पड़ गई थी। मैं काफी लंपी भी थी, शायद ये भी एक रीजन था। तो सबसे पहले वहां से रिजेक्ट होने के बाद बहुत एक्सरसाइज शुरू की, योगा किया, रेगुलर डांसिंग स्केड्यूल अपना फिक्स कर लिया। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी मेहनत बढ़ाने में। और इस बार जब मैं स्टेज पर जाऊंगी डांस इंडिया डांस 2 के ऑडिशंस के, वो मेहनत, वो जज्बा, वो पूरा मेरा डांसिंग स्किल, वो सब नजर आएगा। तोड़ देना है बस, अपनी पूरी जान डाल देनी है और उस लेवल तक जाके रहेगी। Roll sound. Listen up. You have 5 seconds to catch your breath. 5, 4, 3, 2, 1. See you again. Thank you, sir. Last year आप आए थे और आप I think last 40 तक select हुए थे, correct? Yes, sir. Yes, sir. I'm not wrong. She's lost a lot of weight, ma'am. You worked really hard, isn't it? Yes, ma'am. I used to feel difficulty while doing stunts. Okay. मुझे उस weight की वजह से बहुत problem होता था. Okay. तो मेरा first step Dance India Dance से reject होने के बाद ये था कि मैं अपने weight को lose करूँ. You really want to be part of this show? बिल्कुल, ma'am. I'm glad you have lost a lot of weight. आपकी खूबसूरती और निखर आ रही है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर डांसिंग आई थॉट इट वॉज वेरी शार्प एंड क्रिस्प, अच्छा था। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मुझे स्पेशली इन द टॉप रॉक मुझे वहाँ पे आपका जो प्रेपरेशन था वो बहुत वीक लगा, एंड हाउ यू वेंट अबाउट इट। बिनी, अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट देयर आल्सो। सो आई थिंक सीजन 2 के लिए फ्रॉम माय साइड आई थिंक आई कांट देवी तकदीर की टोपी। तकदीर की टोपी मैं भी नहीं दे सकती आपको। मैं भी नहीं दे सकता। आपकी तकदीर की टोपी पे पंख नहीं लगेंगे। आपकी तकदीर की टोपी पे पंख नहीं लगेंगे। It's just the level of this season. Correct. जो हम देखना चाहते हैं, सबसे बड़ा डांसिंग स्टार जो ढूंढ रहे हैं, आपको देखना है वो परफॉर्मेंस। Do you want to see what we really mean? Why we are saying all this to you? क्या आप देखना चाहते हो, हम क्यों कह रहे हैं? Yes. चलो देखिए आप। Watch, watch. सबसे बड़ा सुपरस्टार डांसिंग का सुपरस्टार।
कमलेश भाई, आप ना सिर्फ गुजरात की जान हो, आप सारे इंडिया की शान हो। विनी, हम इसीलिए कह रहे थे कि हम आपको तकदीर की टोपी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आज हक शायद सिर्फ कमलेश जी का है, तो वो आपको तकदीर की टोपी टोपी पेश किया जाए, तकदीर की टोपी पेश किया जाए। समझ में नहीं आ रहा था कि आज तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, कोई गलती भी नहीं थी, तो सब क्यों ऐसा मुझे बोल रहे हैं? किसी एक को भी पसंद नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? जब उन्होंने कमलेश सर को बोला कि ये हक सिर्फ उनका बता, आई वाज लाइक उड़ गई, मैं उड़ गई। आई वाज सो हैप्पी, मैन, आई वाज सो हैप्पी। मैं हूं विनी शर्मा बरोड़ा की पहली कंटेस्टेंट जिसको मिली है तकदीर की टोपी। वो अपनी पहचान है हर जगह। थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कमलेश भाई। हर बार की तरह तोड़ी ना क्यों, भागी ना क्यों, भूखो करी ना क्यों। नमस्कार, मैं पहले नॉर्मली शो करता था, जैसे कहीं सोसाइटी में शो या कहीं हॉल में शो, और समाज को एक मैसेज देना चाहता था कि विकलांगता अभी साहब नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जब से मैंने डी एन ए में परफॉर्मेंस दिया और जब से मिथुन दा ने मुझे एक तकदीर की टोपी पहनाई, तब से मेरी तकदीर ही चेंज हो गई। मैं कमलेश की मम्मी हूँ, मेरा नाम लीला बेन है। फॉग नहीं पर जो लाता है कमा के, तो मेरे को तो लेना ही नहीं, ऐसी मेरी इच्छा होती है। पर अब भगवान ने जो पहुंचा इसकी मेरी तो बहुत खुशी है कि अगर बड़ो होने तुम मेरा नाम तुम कमाओ। हमने हिंदुस्तान को इस मन से एक डांसिंग स्टार ऑलरेडी दे दिया है। मंजिले उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ दी डेडी कंटेस्टेंट।